रक्षाबंधन के बाद 7 दिनों तक गुगा की गाथाओं का गुणगान करने निकले गुगा मंडली टोलियां घर घर जाकर गुगा गाथाओं को सुनाते हैं। आजकल हमीरपुर के हर शहर और गांव में गुगा गाथा गाने वाली टोलियां देखी जा रही हैं, जो कि गुगा की गाथाओं को सुनाकर लोगों की खुशहाली के लिए घूम रहे हैं। जैसे रखड़ी बांधी जाती है ना, रखड़ी रक्षाबंधन के बाद रखड़ी से आगे चलता है काम। 8-9 मंगे होती है, इस टाइम 9 मंगे हैं, कने आज 8वीं मंग है, एक कल मंग है, और कल शाम को बैठ जाएंगे, 9 डेरे होते हैं, और उसके बाद सर परसों मेला होगा इसका। कितना शुभ माना जाता है ये? बहुत शुभ माना जाता है सर। इससे तो कोई जीजू कंडूर निकलेंगे, सांप नहीं निकलेंगे। ये बाबा जहर जो किसी को डंग हो जाता है तो जहाँ गुग्गा लड़ा में जाते हैं, और जहाँ जाकर उसका विष जो उतर जाता है। आजकल तो हॉस्पिटल में भी ले जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे को बताओ कि सांप कैसा है, पर हॉस्पिटल में अलग चीज़ है। परंतु गुग्गे में जाते हैं तो उधर भी ढोल बजा कर विष उसका उतारा जाता है और मेवा लगाया जाता है। और ये मंडली समाधि की है, ये करतार चंद रोड उथड़ाता है हमारा, और ये मंडली समाधि की है। जय गुग्गा छतरी जहार वीर की जय हो।